नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार सरकार आजकल एक्शन मोड में नजर आ रही है और इसी एक्शन मोड में बिहार सरकार ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। बता दें कि अब बालू के अवैध खनन को लेकर सरकारी अफसरों के बाद बालू के माफियाओं और बालू के खेल में शामिल सफेदपोशियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बिहार सरकार ने हरी झंडी दे दी है। बता दें कि बालू के ठेकेदारों, माफियाओं और जो लोग बालू के खेल में शामिल है, अब उन पे बड़ी कार्रवाई बिहार सरकार की तरफ से होने जा रही है और ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने ईओयू की गोपनीय रिपोर्ट के बाद इस कार्रवाई को हरी झंडी दे दी है। यानी कि बालू के अवैध खनन में अब जो लोग शामिल है वो कहीं से भी बच नहीं पाएंगे। बिहार सरकार की पैनी नजर उन पर पड़ चुकी है और अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है। क्या कुछ तैयारी है बिहार सरकार की तरफ से, क्या कुछ होने जा रहा है बालू अवैध खनन के कार्रवाई को लेकर, आइए इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि बालू के अवैध खनन में सरकारी अफसरों के बाद अब ठेकेदारों, माफियाओं और बालू के खेल में शामिल सफेदपोशियों पर बड़ी कार्रवाई को हरी झंडी दे दी गई है। बालू के खेल में शामिल करीब 3 दर्जन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। इनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PML के तहत कार्रवाई के लिए जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय यानी ED को अनुशंसा भेजी जाएगी। इनकी संपत्ति जब्त होगी। ये वो लोग हैं जिनका नाम बालू के अवैध खनन की शिकायत के बाद आर्थिक अपराध इकाई की जांच में सामने आया था। गौरतलब है कि 1 मई 2021 को बालू का उत्खनन संबंधित ठेकेदार द्वारा बंद किए जाने के बाद भी कई जगहों पर अवैध उत्खनन और गैर कानूनी व्यापार की शिकायतें मिली थी। इसके बाद आर्थिक अपराध इकाई की जांच की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। ईओयू ने 6 जिलों पटना, भोजपुर, औरंगाबाद, सारण, रोहतास एवं कैमूर में जांच शुरू की थी। ईओयू की जांच में 2 जिलों भोजपुर और औरंगाबाद के SP के अलावा कई पुलिस अफसर सहित खान एवं भूतत्व, राजस्व एवं परिवहन विभाग के 41 अफसरों की बालू के अवैध धंधे में शामिल लोगों से सांठगांठ के बाद सामने आई है। बता दें कि ईओयू ने जिन 3 दर्जन लोगों की लिस्ट तैयार की है उनमें राज्य के बालू माफिया, बड़े ठेकेदार और सफेदपोशी भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार इस लिस्ट में ब्रांसन कंपनी से जुड़े लोग भी हैं और वे दोनों बड़े ठेकेदार भी शामिल हैं जिनका नाम भोजपुर के तत्कालीन SP राकेश कुमार दुबे के साथ बातचीत में सामने आया था। SP के साथ इन दोनों ठेकेदारों की बातचीत के साक्ष्य भी जांच एजेंसी के पास है। बता दें कि अवैध खनन में शामिल लोक सेवकों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होने के बाद इस धंधे में शामिल माफियाओं पर भी कार्रवाई की रणनीति बनाई जा रही थी। पुलिस मुख्यालय ने ईओयू की गोपनीय रिपोर्ट के बाद अब माफियाओं, ठेकेदारों, बिचौलियों पर कार्रवाई को हरी झंडी दे दी है। इस पर अमल शुरू हो गया है। ये सभी उन जिलों से संबंधित है जहां ईओयू ने अपनी जांच की थी। इनमें से कुछ के खिलाफ पहले से कई मामले भी दर्ज है। बता दें कि बालू के अवैध खनन में शामिल माफियाओं और ठेकेदारों पर कानूनी कार्रवाई के लिए आर्थिक अपराध इकाई ने संबंधित IG और DIG को लिस्ट भेज दी है। इनके विरुद्ध संबंधित जिले को जल्द कानूनी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। IG और DIG की रिपोर्ट के बाद ईओयू प्रवर्तन निदेशालय को PML के तहत कार्रवाई के लिए अनुशंसा भेजेगा। आर्थिक अपराध के मामले में कार्रवाई के लिए ईओयू राज्य की नोडल एजेंसी है और PML के तहत अनुशंसा का अधिकार भी सिर्फ उसी को है। बता दें कि अवैध बालू खनन में पहले ही सरकारी अफसरों पर गाज गिर चुकी थी और सरकारी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। अब ऐसे में बालू के खेल में शामिल सभी ठेकेदार, माफिया और सफेद पोशों पर अब बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। अब इन पर गाज गिरेगी और बिहार सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। बता दें कि बिहार सरकार ने इसको लेकर हरी झंडी भी दिखा दी है और अब जल्द से जल्द कार्रवाई बड़े पैमाने पर शुरू की जाएगी। इस पर अमल किया जा चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़4Nation में। नमस्कार।